हेलो एवरीवन, सो मैं लाया हूँ आपके लिए इंपॉर्टेंट वॉकअप का सेशन, जैसा कि चल रहा है, जो आपके किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए वेरी हेल्पफुल होने वाला है। तो मेरी वॉकअप के सेशन को जो डेली आता है, आप इसे प्लीज़ आप पूरा देखें और बार बार रिवाइज करेंगे तो शायद आपको और ज़्यादा बेटर आपको बेनिफिट होने वाला है। तो हर एग्ज़ाम के लिए, जैसे SSC, CPO, CGL, ठीक है, स्टेनोग्राफर, UPTET, CTET, TGT, PGT एट्सेट्रा, जितने भी एग्जाम हैं इंग्लिश से रिलेटेड, मेरी ये वॉकअप आपके लिए वेरी हेल्पफुल होने वाली है। तो लेट अस स्टार्ट, मेरे साथ बने रहिए। इलेक्ट्रीफाई, पहला वर्ड है आपका इलेक्ट्रीफाई। देखो फर्स्ट वर्ड है इलेक्ट्रीफाई, तो इलेक्ट्रीफाई, तो देखो इलेक्ट्रीफाई का मीनिंग होता है किसी चीज को रोमांच से भर देना। रोमांच से भर देना। नेक्स्ट वर्ड है आपका ऑक्यूपाइड। नेक्स्ट वर्ड है और ऑक्यूपाइड, तो ऑक्यूपाइड का मीनिंग होता है किसी चीज में व्यस्त। नंबर थर्ड वर्ड है आपका प्रीसियस। प्रीसियस का मीनिंग होता है बहुमूल्य। नंबर फोर क्यूरियस। क्यूरियस का मीनिंग होता है उत्सुक। नंबर फाइव ग्लूमी। ग्लूमी का मीनिंग होता है उदास। नंबर सिक्स ग्लॉस। ग्लॉस का मीनिंग होता है चमक। नंबर सेवन ग्लोटन। ग्लूटन का मीनिंग होता है एक तरह से पेटू या अधिक खाने वाला। नेक्स्ट कैजुअलिटी। कैजुअलिटी का मीनिंग होता है मृत्यु। नाइन नेक्स्ट कैलामिटी। तो देखो कैलामिटी का मीनिंग होता है एक तरह से विपदा या विपत्ति। लास्ट वर्ड आज का 10 फरवर। तो देखो फरवर का मीनिंग होगा एक तरह से उत्साह। उत्साह एक बार रिवाइज करेंगे। पहला वर्ड है देखो इलेक्ट्रीफाई करना। इलेक्ट्रीफाई का मीनिंग होता है रोमांच से भर देना। इलेक्ट्रिक होती है ना, विद्युत होती है ना, जब विद्युत आती है, जब गुस्सा आता है आदमी को, तो एकदम से वो रोमांच, मतलब एकदम से एक्साइट हो जाता है। तो वो एक्साइट का मतलब क्या है ना, एक तरह से इलेक्ट्रीफाई, इलेक्ट्रिक बिजली जब आती है आपके घरों में तो क्या होता है, जैसे लाइट भाग जाती है तो फिर उसके बाद आती है तो क्या होता है, आप रोमांच से भर जाते हैं कि अब लाइट आ गई, अब मैं फ़ोन चलाऊंगा, अब मैं टेलीविज़न ऑन करूंगा, अब मैं पढ़ूंगा, तो इस तरह से हैप्पी हो जाते हैं। ऑक्यूपाइड, ऑक्यूपाइड का मीनिंग होता है किसी चीज में व्यस्त होना, ऑक्यूपाई करना। दरअसल ये ऑक्यूपाई से बना है, ठीक है। तो आई को वाई को IED में कन्वर्ट कर दिया जाता है यहाँ पर। देखो तो ऑक्यूपाइड का मीनिंग होता है किसी चीज में व्यस्त होना, बिजी होना इन द एनीथिंग। प्रीसियस, प्रीसियस का मतलब होता है बहुमूल्य, एक कीमती चीज होना। प्री, प्री का मतलब पूर्व में, कोई चीज है तो इसका मतलब वो आपके लिए एक तरह से बहुमूल्य हो चुकी है, कीमती हो चुकी है।
क्यूरियस का मीनिंग होता है उत्सुक, उत्सुक का मतलब होता है एक तरह से हैप्पी होना, खुश होना, ठीक है। ग्लोमी का मतलब होता है उदास, ये इसका एक तरह से एंटोनियम भी बनेगा, ठीक है। तो ग्लोमी का मतलब उदास, उदास का मतलब सैड, सैड का मतलब दुखी होना, बहुत ज़्यादा दुखी होना। दुख होने से कोई फायदा नहीं होने वाला भाई, ठीक है। ग्लोमी उदास होने से नहीं बल्कि क्यूरियस होने से फायदा होने वाला है, क्योंकि कभी लास्ट चाबी भी क्या खोल देती है, ताले को खोल देती है, याद रखेंगे। ग्लॉस का मतलब क्या होता है, चमक, शाइन का मतलब चमक होता है, ठीक है। ग्लूटेन का मतलब क्या होता है, पेटू, यानी कि अधिक खाने वाला, उस व्यक्ति को पेटू बोलते हैं, ठीक है। कैजुअलिटी का मतलब होता है मृत्यु, मृत्यु का मतलब होता है डेथ, डेथ का मतलब मृत्यु है ना, कैजुअलिटी। कैलेमिटी, कैलेमिटी का मीनिंग होता है विपत्ति या विपदा, विपदा का मतलब है परेशानी आ जाना अचानक से कोई, ठीक है, तो वो होता है कैलेमिटी। फरवर का मीनिंग होता है उत्साह। तो आज के लिए जो आपके लिए वर्ड है ना मेरे पास, वो ये वर्ड है, आपको इसका मीनिंग मुझे कमेंट में सेंड करना है, ठीक है। जम्बल्ड, इस वर्ड का मीनिंग आपको मुझे कमेंट कमेंट में कमेंट करना है और कमेंट बॉक्स में सेंड करना है, इसका सही मीनिंग क्या होगा, ठीक है, ये बात याद रखेंगे, है ना। एक मैंने पिछली वीडियो में आपको आंसर दिया था हॉक्स का, हॉक्स मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था जो उसका मीनिंग था, हॉक्स का मीनिंग था, ठीक है, झूठा डरिया अफवाह, झूठा डरिया अफवाह, अफवाह, ठीक है, ये उसका सही आंसर था। मिलता हूँ आपसे इसी तरह की अगली वीडियो में। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि और उसकी जो बेल है उसको भी आप प्रेस कर लें, ताकि मेरा हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए और आप अपडेट रहें मेरी इन वीडियोज़ से जो आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए वेरी हेल्पफुल होने वाली है। जैसे कि स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम नवंबर से दिसंबर के बीच में ऑनलाइन होने वाला है, तो उसके लिए मेरी वॉकअप बहुत अच्छी है। अगर आप स्टेनोग्राफर की प्रिपरेशन करते हैं तो आप ये बिल्कुल डेली देखिएगा, आप टेट की तैयारी करते हैं तो भी देखिएगा, सुपर टेट की करते हैं तो भी देखिएगा। मिलता हूँ आपसे इसी तरह की, अपने हेल्थ का ध्यान रखिएगा, बाय बाय।